जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन की तरफ से एक प्रेस नोट जो है रिलीज़ की गई है। हाल ही में जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट डाला जाता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट जो भी पोस्ट डाला जाता है, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी की गई है जिसमें से 5 बंदू को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर जो है 3 जो डिफरेंट एफ आई आर अंडर सेक्शन 28/2024 हैव बीन रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन रामन रिलेंट सेक्शन ऑफ द लॉ के एसएसपी रामन की तरफ से ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी जिस तरह का कंटेंट या पोस्ट या कमेंट्स जो मॉनिटर डाला जाएगा उसके ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन की तरफ से जो है वो वॉच किया जाता है हर तरह से जी किस तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आज के डेट में जो खासकर जो जो पोस्ट करते हैं। और ये भी उन्होंने मैसेज दिए कि इस तरह के जो पोस्ट या इस तरह के जो कमेंट जो भी करेगा उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन होगी। और फिलहाल मैं आपको आज बताऊंगा कि इसमें जो आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन की तरफ से है 5 पर्सन्स को उन्होंने अरेस्ट किया है और उनके अगेंस्ट जो है एफ आई आर लॉन्च की गई है। फर्दर जो क्या अपडेट होगी जब हमने एसएसपी रामन से बात करने की कोशिश की और उसने बात करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल उनकी तरफ से एक जो प्रेस नोट रिलीज की गई है 5 पर्सन को उन्होंने आज रामन पुलिस ने अरेस्ट किया है। उन्होंने कार्रवाई की, आने वाले इस तरह के जो भी यूथ या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूजर इस तरह के कंटेंट डाला जाएगा उसके जो है साइबर पुलिस डिस्ट्रिक्ट रामन जो है वो मॉनिटर कर रही है, वॉच कर रही है। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के लिए, रामन से मलिक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत, हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।